शी हल्क के एपिसोड 3 में जब वॉन्ग गवाही देने आता है तो वो कहता है लेट आने के लिए सॉरी, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मतलब मुझे वक्त का पता नहीं चला। तो ऐसा हो सकता है कि वॉन्ग टाइम ट्रेवल कर रहा हो, फ्यूचर में होने वाले कैंग के साथ की लड़ाई को वो अभी से लड़ रहा हो। इसी वजह से हमें वॉन्ग के इतने सारे कैमियोज देखने को मिल रहे हैं फेज 4 में। और ऐसा हो सकता है कि ये सारे कैमियोज सेम ऑर्डर में नहीं हुए होंगे, मे बी जो कैमियो में बाद में दिखाया है वो असल में पहले हुआ हो। डॉक्टर साहब ने थानोस को हराने के लिए जो प्लान बनाया था उसमें उन्होंने फ्यूचर में एक ऐसा रास्ता बनाया था जिसमें थानोस हारता, पर वॉन्ग ने कैंग को हराने के लिए रास्ता पास्ट में बनाया है। वॉन्ग पास्ट में कुछ चेंजेस करेंगे जैसे अबोमिनेशन जेल से छूट जाए, सैंगची को अपने 10 रिंग्स की पूरी नॉलेज हो, वो उसके पूरे पोटेंशियल को समझ पाए, उसे अच्छे से यूज कर पाए, अबोमिनेशन का उसे गुस्से पे कंट्रोल हो ताकि वो अपने दिमाग और ताकत का सही इस्तेमाल कर पाए। या फिर हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और ये पूरी थ्योरी गलत हो, क्योंकि वॉन्ग सोप्रानो देख रहा था तो मे बी सीरीज देखने की वजह से उसे समय का पता ना चला हो।